वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी आप बाज़ार जाते हैं तो सड़ी गली चीज़ें लाते हैं? नहीं ना, तब फिर आप सड़े गले अखबार क्यों पढ़ते हैं? आप बिके हुए चैनल क्यों देखते हैं? इसको कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आप भी हमारे चैनल दनिज पथ पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल जो है निष्पक्ष जो है खबरें को दिखाता है और आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आगे बात। विगत दिनों भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं अनिल प्रधान के ऊपर कायराना हमला हुआ है। ये मामला जो है इटारी प्रखंड के दीक्षा भूमि पर की है, जहां पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अनिल प्रधान जी अपने भीम आर्मी के सैनिकों के साथ घटनास्थल को निरीक्षण करने के लिए गए थे कि वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन वहां पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया जहां उनकी स्थिति खराब हो गई, जिसको लेकर बक्सर के ही सदर अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। यहाँ पर भी उनकी स्थिति खराब बताई गई, जिसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर हैं सदर अस्पताल के, वहाँ उनको रेफर कर दिए पटना पीएमसीएच के लिए। पटना पीएमसीएच में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अनिल प्रधान का सुव्यवस्थित तरीके से इलाज हो रहा है, जहाँ पर कई केंद्रीय कमेटी वहाँ पर आई हुई है और लोगों से बातचीत हो रही है। भीम आर्मी के जितने सारे बक्सी जिला के जो सैनिक हैं वो जो है काफ़ी आक्रोशित हैं। जब ये मामला जो है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण के संज्ञान में आया, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि हमारे लोग संविधान और नियम कानून पर चलने वाले लोग हैं। यही कारण है कि दीक्षा भूमि पर निहत्थे ही गए थे, जहां पर इनकी स्थिति को देखते हुए इनके ऊपर जानलेवा और कायराना हमला हुआ है। मैं वहां के पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए, अन्यथा भीम आर्मी अपने स्तर से काम करना जानती है। आपको बताते चले दर्शकों कि लगातार जो है जो केंद्रीय कमेटी है, जो प्रदेश कमेटी है और जो यहाँ के जो स्थानीय कमेटी है भीम आर्मी की, उनमें काफ़ी आक्रोश है और ये चेतावनी दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को कि अगर पुलिस प्रशासन जो है ढंग से नहीं करेगी तो बक्सर में आंदोलन का एक बहुत बड़ा रुख होगा, जिसको पुलिस प्रशासन सोच भी नहीं सकती कि किस तरीके से आंदोलन होगा। बाकी अंत में यही कहेंगे सर कि सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं।